हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 3 में। इस पार्ट में हम लोग डीडी ट्रांजिशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो डीडी ट्रांजिशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको पहले हम लोग देख लेते हैं, वो क्वेश्चन कितने टाइप से पूछे गए हैं, कितने ईयर में पूछे गए हैं और कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसके बाद इसका आंसर हम लोग देखेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर दैट सिलेक्शन रूल्स फॉर डीडी ट्रांजिशन, सबसे पहला क्वेश्चन है। इसके सिलेक्शन रूल के बारे में ही पूछा जाता है हमेशा कि डीडी ट्रांजिशन का सिलेक्शन रूल क्या है। तो ये आपका है 2013 का ई वाले सेक्शन में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि आपको छोटा सा लिख देना है आंसर, आपको 1.5 मार्क मिल जाएगा। एंड 14 के वही बी वाले सेक्शन में एंड 18 के सी वाले सेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि 1.5 मार्क में भी पूछा गया है, 6 मार्क में भी और 10 मार्क में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका दूसरा टाइप इसका है, व्हाट इज़ डीडी ट्रांजिशन, सेम बात, एक्सप्लेन स्पिन एंड ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल। देखिए स्पिन एंड ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल क्या है, इसको भी यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो ये आप देखेंगे जो स्पिन सिलेक्शन रूल है ये तो थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये जो ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल है यही है डीडी ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल, ठीक ना। तो ये मिला जुला के सब, ये जो ऊपर वाला वही नीचे वाला भी है, मतलब इन दोनों क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसको भी देखिए वही पूछा गया है 15 के सी वाले सेक्शन में एंड 17 के बी वाले सेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि 6 मार्क एंड 10 मार्क में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका नेक्स्ट टाइप इसका है, राइट द सिलेक्शन रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, सेम बात है। देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा करके पूछेगा तब भी बात सेम ही रहेगी, यानी कि इसी सिलेक्शन रूल को हमको लिख देना है, ठीक ना। तो ये भी देखिए 16 के बी वाले सेक्शन में पूछा गया है। एंड गिव स्पिन सिलेक्शन रूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, सेम बात वही स्पिन वाला पूछा हुआ है 17 के वाले सेक्शन में। तो आप लोग देख रहे होंगे 13, इसके बाद 14, फिर 15, 16, 17, 18, यानी कि कोई ऐसा ईयर नहीं जिसमें क्वेश्चन पूछा ना गया हो, यानी कि कंटिन्यूअस क्वेश्चन पूछा जाता है, बस नाम चेंज कर करके पूछेगा, या तो इस तरह से पूछेगा सिलेक्शन रूल फॉर डीडी ट्रांजिशन, या फिर इस तरह से पूछेगा स्पिन एंड ऑर्बिटल सिलेक्शन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा करके पूछेगा, या फिर स्पिन सिलेक्शन रूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। मतलब इस तरीके के 3-4 टाइप इसके हैं पूछने के, इन्हीं टाइप्स में से पूछेगा और सबका आंसर आप देखेंगे एक ही है, सारी चीज़ें मिला जुला करके एक ही है, सब क्वेश्चन का आंसर एक ही है, ठीक ना। तो चलते हैं आंसर की तरफ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि बिना गैप के देखिए लगातार कंटिन्यूअस क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 100% ये इस बार भी जरूर आएगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर देखने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप बीएससी में हैं या इंटरमीडिएट में हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को जा करके एक बार चेक कर लीजिए, वहाँ पे मैंने अलग अलग फोल्डर में अलग अलग वीडियो सब एकदम स्टेप वाइज मैंने रखा हुआ है, एकदम ऑर्डर में रखा हुआ है, आप वहाँ से लेकर फर्स्ट से लेकर के बिल्कुल एकदम ऑर्डर में मतलब रखा हुआ है, आप आराम से वहाँ से पा सकते हैं बिना खोजे। तो प्लीज़ करके प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर चेक कर लिया करिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब आंसर देखते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग बेसिक से समझते हैं कि इसका बेसिक क्या है, और यहीं से आपको आंसर भी लिखना है एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं सिलेक्शन रूल होता क्या है, वहाँ पे पूछा गया सिलेक्शन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे सिलेक्शन रूल पहले क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सिलेक्शन रूल्स मीन्स नाम से ही क्लियर है यहाँ पे कि सिलेक्शन रूल मीन्स होता है किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अगर दो पार्टी जैसे भी मान लीजिए चुनाव होता है तो दो पार्टी होती हैं, तो दो पार्टी में से दो या दो से अधिक भी पार्टी हो सकती है, 4-5 मान लीजिए पार्टी है, तो चुनाव जब होता है तो जीतना तो एक ही मतलब सिलेक्ट तो एक ही को करना है, बाकी सबको रिजेक्ट करना है। तो किसको वही रिजेक्ट करना है को सेलेक्ट करना है उसी बेसिस पे समझिए, यहाँ पे केमिस्ट्री में भी एक सिलेक्शन रूल होता है कि किस कॉम्प्लेक्स को हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसको रिजेक्ट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन रूल्स कुछ बनाए गए हैं कि इसके थ्रू जो है हम लोग सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप लोग देखते होंगे एग्जाम वगैरह देते होंगे तो उसमें स्टेप बाई स्टेप होता है कि पहले आपका रिटन होगा, फिर इसके बाद वाइबा होगा, फिर फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, मतलब सब में सब स्टेप बाई स्टेप सब चेक करते जाते हैं आपको, अगर हर जगह से अगर आप फिट हैं तब जा करके आपको लास्ट में सिलेक्ट किया जाता है। तो सेम बात यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कुछ रूल्स हैं उसके, कुछ इस तरह से नियम हैं, कुछ स्टेप हैं, उन स्टेप के थ्रू हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स को चेक करते जाएंगे, और सब में अगर वो कॉम्प्लेक्स एकदम बिल्कुल क्लियर है तो हाँ उसको लास्ट में सिलेक्ट किया जाएगा। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन रूल्स बनाए गए हैं। ओके,
तो चलिए देखते हैं क्या है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सर्टेन मॉलिक्यूल आर एटम आर स्पीसीज इट विल एब्जॉर्ब लाइट और नॉट डिपेंड्स ऑन सर्टेन रूल्स कॉल्ड सिलेक्शन रूल। देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर किसी लाइट को या किसी रे को समझिए या फिर किसी एनर्जी को, कोई एनर्जी अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर, देखिए लाइट क्या होती है, एक तरह की एनर्जी होती है, रेडिएशन जो होती है तो वो एक तरह की एनर्जी होती है, वो अगर किसी मॉलिक्यूल पे या किसी एटम पे या किसी स्पीसीज पे अगर वो पड़ती है तो पड़ने के बाद वो जो मॉलिक्यूल होगा उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा। इस बात को कौन डिक्लेयर करेगा, सिलेक्शन रूल डिक्लेयर करेगा। कुछ हम लोगों ने सिलेक्शन रूल बना करके रखे हुए हैं, उस सिलेक्शन रूल के बेसिस पे हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि वो जो मॉलिक्यूल होगा वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं करेगा। तो उस मॉलिक्यूल के लाइट के एब्जॉर्प्शन पे ही ये सिलेक्शन रूल बनाया गया है कि अगर कोई लाइट किसी मॉलिक्यूल पे अगर गिरती है तो गिरने के बाद वो मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं करेगा, ये सिलेक्शन रूल डिसाइड करता है। सिलेक्शन रूल उसको बताएगा कि हाँ वो कर रही है कि नहीं कर रही। सिलेक्शन रूल के बेसिस पर हम लोग समझ सकते हैं कि वो कर रहा होगा कि नहीं विदाउट प्रैक्टिकल। ओके तो चलिए देखते हैं क्या है आगे। दीज रूल्स हेल्प्स अस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अलाउड एंड फॉरबिडन। फॉरबिडन मीन्स होता है दैट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है ना। अलाउड मीन्स जो अलाउ है और फॉरबिडन मीन्स, यहाँ पे फॉरबिडन में बार बार यूज करूँगा यहाँ पे, और आपको एग्जाम में भी फॉरबिडन ही लिखना है जिसकी मीनिंग होती है नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। ओके दीज रूल्स हेल्प्स अस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अलाउड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशन। फॉरबिडन मीन्स नॉट अलाउड ट्रांजिशन, ठीक ना। मतलब ये रूल हमको हेल्प करेगा ये पहचानने में कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स है या कोई भी मॉलिक्यूल है तो वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है कि नहीं करता है, इस बात को पहचानने के लिए सिलेक्शन रूल्स हमारी हेल्प करते हैं। दीज आर टू टाइप्स ऑफ सिलेक्शन रूल्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ सिलेक्शन रूल्स। यहाँ पे दो टाइप के सिलेक्शन रूल्स उसके बेसिस पे बनाए गए हैं। इन दोनों स्टेप के थ्रू हम लोग उसको गुजारेंगे, उसको चेक करेंगे, अगर दोनों में पास हो जाता है तो इट मीन्स वो फ्लाइट का एब्जॉर्व करेगा, नहीं होता है तो नहीं करेगा। तो सबसे पहला इसमें है आपका स्पिन सिलेक्शन रूल। तो चलिए देखते हैं स्पिन सिलेक्शन रूल क्या है। इट स्टेट दैट ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर टू हायर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल ऑफ अ मॉलिक्यूल में अकर्स प्रोवाइड द टू एनर्जी लेवल इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन आर ऑफ द सेम मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी मीन्स, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इस सेंटेंस में मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है। तो मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है स्पिन, ठीक ना। स्पिन आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन के आप लोग जानते हैं दो स्पिन होती है, एक अपवर्ड होती है एक डाउनवर्ड होती है, ठीक ना। तो उसकी स्पिन जो है, स्पिन को यहाँ पे जनरली हम यूज करेंगे एक दूसरे नाम से मल्टीप्लिसिटी, ठीक ना। तो मल्टीप्लिसिटी कही जाए तो समझिएगा आप ये स्पिन, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है। तो देखिए कहा क्या रहा है कि जो स्पिन सिलेक्शन है ये बोलता है, ये जो रूल है ये बोलता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल है वो एनर्जी को अगर एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब करने के बाद वो लोअर एनर्जी से हायर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में जाएगा। जब जाएगा तो जाने के बाद, मान लीजिए अभी ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से है, अभी यहाँ पे दो एनर्जी लेवल है, अभी मैं उसको बकायदे समझाऊंगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है, ठीक, यहाँ सब एनर्जी को इसने एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने के बाद जब यहाँ पे दूसरे में गया तो यहाँ पे देखिए दूसरे में पहुँच गया, ठीक ना। अभी देखिए आपका लोअर एनर्जी लेवल एंड हायर एनर्जी लेवल, आप समझिए लोअर एनर्जी लेवल एंड हायर एनर्जी लेवल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइट होकर के इस लेवल में चला गया। तो अभी बोलता है कि ये जो दोनों लेवल हैं, फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल, यानी कि लोअर लेवल एंड हायर लेवल, देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल में अकर प्रोवाइड द टू एनर्जी लेवल इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन। ये जो दोनों एनर्जी लेवल, ये जो इन्वॉल्व हैं इस ट्रांजिशन में, ये दोनों, इन दोनों की जो मल्टीप्लिसिटी है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। इस बात को आपको याद रखना है, वो दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अभी यहाँ पे इस तरीके से था, यानी कि अपवर्ड था, तो यहाँ पर जब ये जाएगा तो वो भी अपवर्ड ही होना चाहिए, डाउनवर्ड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी मान लीजिए यहाँ पे ऐसे था और यहाँ पे जाने के बाद ऐसे हो जाए, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे अपवर्ड था, अभी यहाँ पे जाने के बाद ये डाउनवर्ड हो जाए, तो इसको सिलेक्शन, ये जो स्पिन सिलेक्शन रूल है ये रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा नहीं ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकता,
ठीक ना। तो यानी कि दोनों लेवल की जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है बिल्कुल सेम सेम होनी चाहिए, यानी कि लोअर एनर्जी लेवल में अगर अपवर्ड है तो इसमें भी अपवर्ड होना जरूरी है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। वाइल ट्रांजिशन इन विच नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर चेंज ऑन गोइंग फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल, देखिए लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल, देन दैट ट्रांजिशन आर स्पिन फॉरबिडन आर मल्टीप्लिसिटी फॉरबिडन। देखिए यहाँ पे वही बात बोल रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स, वही समझिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स स्पिन उसकी जो होगी वो बिल्कुल सेम सेम होगी, यानी कि अभी देखिए दोनों ऊपर ऊपर अगर हैं, मान लीजिए दो अगर यहाँ पे अगर हैं तो देखिए जो दो इलेक्ट्रॉन है दोनों की देखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी बिल्कुल अभी यहाँ पे सेम है, ऊपर ऊपर है। अब यहाँ पे जाने के बाद अगर मान लीजिए दोनों को अगर लिया जाए, एक साथ काउंट अगर किया जाए तो इसकी तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी एकदम बिल्कुल सेम है, लेकिन इसकी देखिए डिफरेंट हो गई, ठीक ना। तो ये फॉरबिडन हो जाएगा, ठीक ना, और अगर बिल्कुल सेम रहती है तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे उसी को यहाँ पे बोला जा रहा है कि वाइल ट्रांजिशन इन विच नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो देखिए है यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आप जानते हैं पेयर्ड होता है तो इस तरीके से होता है, एक अपवर्ड होता है एक डाउनवर्ड होता है, तो इसको हम लोग पेयर्ड बोलते हैं। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो बोला नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर चेंज ऑन गोइंग फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल, अगर ये चेंज हो जाते हैं। देखिए अभी यहाँ पे अगर यहाँ पे अभी ऐसे था दोनों, यहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अभी यहाँ पे जब जाने के बाद एक की स्पिन अगर चेंज हो गई, अगर ऐसे हो गया तो देखिए दोनों पेयर्ड हो गए, अब दोनों मिलकर के पेयर्ड हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड होता है, दोनों पेयर्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगा, यहाँ पे दो हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे दो हो गया, यहाँ पे जीरो। तो अगर यहाँ पे चेंज हो जाता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लोअर एनर्जी लेवल में कुछ और रहे, हायर में कुछ और हो जाए, यहाँ पे देखिए दो है, यहाँ पे जीरो हो गया, तो यहाँ पे सिलेक्शन रूल इसको बोलता है कि नहीं, ये लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक ना। अगर दोनों बिल्कुल अगर सेम रहता, इधर इधर भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो, इधर भी दो, तब देखिए बिल्कुल ये सेलेक्ट हो जाता, नहीं ये सही है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो स्पिन सिलेक्शन रूल यही बोलता है। देखिए वो यहाँ पे बोला गया है लेवल, देन दैट ट्रांजिशन आर स्पिन फॉरबिडन। देखिए स्पिन फॉरबिडन बोलने का मतलब है कि वही कि स्पिन फॉरबिडन होगा, यानी कि नॉट अलाउड होगा, आर मल्टीप्लिसिटी फॉरबिडन, या फिर वही उसी का दूसरा नाम है मल्टीप्लिसिटी फॉरबिडन, यानी कि उसकी मल्टीप्लिसिटी जो है वो नॉट अलाउड है। हैंस वी कैन कंसिडर दैट ट्रांजिशन टू ओनली दोज एक्साइटेड स्टेट आर टू बी कंसिडर्ड विच हैव सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। हमने बोला ना कि उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि नहीं ये फॉरबिडन नहीं है, अलाउड ट्रांजिशन है, ठीक ना। तो उसको हम लोग अलाउड ट्रांजिशन बोलेंगे, और अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर उसकी चेंज हो जाती है तो उसको हम लोग बोलेंगे नहीं वो फॉरबिडन है। एज ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट की तरह से बिल्कुल अगर हो उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर बिल्कुल सेम है तो फॉरबिडन ना होकर के अलाउड होगा। दैट इज डेल्टा एस इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी उसकी जो है वो बिल्कुल जीरो होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4 या कुछ भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम जीरो होनी चाहिए। आर आल्सो कॉल्ड डेल्टा एस इक्वल टू जीरो आर स्पिन सिलेक्शन रूल, ये जो डेल्टा एस इक्वल टू जीरो है इसी को जनरली हम लोग स्पिन सिलेक्शन रूल बोलते हैं, यानी कि उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी बिल्कुल जीरो होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वैसे वही वाला एग्जांपल देखिए जो हमने अभी आपको समझाया है, सेम वही इसका एग्जांपल है। अभी यहाँ पे मान लीजिए तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हैं और तीनों की स्पिन मल्टीप्लिसिटी बिल्कुल एकदम देखिए सेम है, तीनों अपवर्ड हैं। अभी यहाँ पे ये लोअर एनर्जी लेवल है देखिए, और ये आपका है हायर एनर्जी लेवल। अभी लोअर से यहाँ पे एनर्जी को कुछ एब्जॉर्व करते हैं, एब्जॉर्व करने के बाद लोअर से हायर में जंप लगाते हैं, ठीक ना। तो जंप लगाने के बाद यहाँ भी देखिए इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी बिल्कुल सेम है तीनों की, जब यहाँ पे तीनों की जब बिल्कुल सेम है तो अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने थे, तीनों की तीनों अनपेयर्ड हैं तो तीन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ भी तीन, यहाँ पे भी देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तीन। तो अभी क्या है ये सिलेक्शन रूल के अंदर आएगा, यानी कि सिलेक्शन रूल इसको कहेगा कि हाँ ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि यहाँ पे डेल्टा एस इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी इधर उधर नहीं हुई है, बिल्कुल जो यहाँ पे थी वही यहाँ पे थी, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसमें हुई नहीं, तो यहाँ पे डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर यही एक भी अगर यहाँ से मान लीजिए अपवर्ड था, अभी यहाँ पे अगर डाउनवर्ड हो जाता तो ये दोनों क्या हो जाते, पेयर्ड हो जाते, तो यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता वो एक हो जाता, तो अब यहाँ पे गड़बड़ हो जाता, इसको सिलेक्शन रूल फेल कर देता, ठीक ना। ये रहा इसका आपका स्पिन सिलेक्शन रूल, इसको देखिए यहाँ इसको भी देखिए दो बार पूछा गया था स्पिन सिलेक्शन रूल क्या है। अब देखते हैं इसके बाद उसका दूसरा वाला सिलेक्शन रूल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, इसको कई बार पूछा गया है, ये स्पिन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़्यादा केयर करिएगा।
इसी का नाम देखिए यहाँ पे सिलेक्शन रूल फॉर डीडी ट्रांजिशन, अगर कहा जाए तब भी सेम बात। और इसी का दूसरा नाम है ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल। इसी का तीसरा नाम एक और है, इस नाम से भी हो सकता है पूछ सकता है क्वेश्चन, लैपोरोटी सिलेक्शन रूल। तो लैपोरोटी आपका साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने ही इस सिलेक्शन रूल को दिया था, तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस नाम से भी वैसे पूछा तो नहीं है अभी VBS PU में, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में भी पूछा तो नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में या और भी जगह हो सकता है लैपोरेटरी नाम से भी ये पूछे। तो लैपोरेटरी अगर नाम से अगर पूछता है तब भी आप समझ जाइएगा कि यही सेम है। तो तीनों नाम मैंने यहाँ पे कलेक्ट करके रखा हुआ है, डीडी ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल बोले या फिर ऑर्बिटल बोले या फिर लैपोरेटरी सिलेक्शन रूल बोले, तीनों रूल सेम है। ओके, तो इसको आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना। चलिए देखते हैं ये क्या है, द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द डी ऑर्बिटल। ये देखिए ये क्या कहते हैं, लैपोरेटरी ने बताया कि नहीं, ये जो ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन मीन्स आप समझ रहे हैं ना, ट्रांजिशन मीन्स वही कि कोई भी मॉलिक्यूल जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो इसी को जनरली हम लोग ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक ना, ट्रांजिशन। तो वो जो ट्रांजिशन होता है वो बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉनों का ये जो ट्रांजिशन होगा वो विद इन द डी ऑर्बिटल होना चाहिए, यानी कि डी ऑर्बिटल के ही अंदर होना चाहिए। आप लोगों ने मेरा इसका पहला वीडियो देखा होगा, इनऑर्गेनिक का पहला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट नंबर वन, तो उसमें मैंने क्रिस्टल फील्ड को कराया था, क्रिस्टल फील्ड थियरी को। तो सबसे अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो इस अब यहाँ से देखने के पहले उसको पहले देख लें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेरा पहला वीडियो है यानी क्रिस्टल फील्ड थियरी पर, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ जाएगा। उसमें मैंने डी ऑर्बिटल के बारे में बहुत बकायदे उसमें बताया हुआ कि डी ऑर्बिटल किस तरीके से स्प्लिट कर जाते हैं। तो डी ऑर्बिटल स्प्लिट करने के बाद दो पार्ट में बढ़ जाती है, लोअर एनर्जी लेवल एंड हायर एनर्जी लेवल में, जिसमें से आप देखेंगे अभी यहाँ पे मैंने लिखा उसको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, लेकिन अगर आप लोग उसको देख के फिर अगर इसको देखेंगे तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। तो देखिए इन्होंने जो लैपोरेटरी ने बताया था कि ये जो ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉनों का वो अगर डी ऑर्बिटल के ही अंदर होता है तो वो फॉरबिडन होगा, फॉरबिडन इज नॉट अलाउड होगा। तो कैसे होगा उसी को देखिए यहाँ पे, दैट इज़ फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल, यानी कि लोअर एनर्जी लेवल, इसमें हमने बताया था कि पहले वीडियो में T2G को हम लोग यहाँ पे कहते हैं लोअर एनर्जी लेवल, जिसमें कौन कौन से आते हैं, डी ऑर्बिटल पांच ऑर्बिटल होती हैं, डी ऑर्बिटल के अंदर पांच ऑर्बिटल होती हैं, DXY, DYZ, DZDX, DX² - Y² एंड DZ² ये पांच ऑर्बिटल होती हैं, जिसमें से ये जो तीन ऑर्बिटल होती हैं ये सेम एनर्जी की होती हैं, यानी कि लोअर एनर्जी लेवल की होती हैं, जिसको हम लोग T2G नाम दिए थे, DXY, DYZ और DZDX से तीनों। और दूसरे का था क्या था, टू द हायर एनर्जी लेवल, इनके एनर्जी लेवल हाई होती है, इसका नाम हमने दिया था AG, और इसमें दो ऑर्बिटल आती हैं DX² - Y² और DZ² ये दो ऑर्बिटल आती हैं, यानी कि इन दोनों की एनर्जी ज़्यादा और इन तीनों की एनर्जी कम होती है, इसको हम लोग AG कहते हैं, इसको T2G कहते हैं। तो अब यहाँ पे समझिए T2G, देखिए दो लेवल होगा, यहाँ पे T2G की एनर्जी कम है तो उसको नीचे लिखते हैं T2G एंड ये रहा AG, ठीक ना, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो ये ऊपर रहेगा, T2G की एनर्जी कम होती है तो नीचे रहेगा। अब यहाँ पे अगर कोई मॉलिक्यूल है या कोई इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे है, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ से यहाँ तक जंप लगाया कि T2G से AG में जंप लगाता है, क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी लो है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जब ये जंप लगाएगा तो जंप लगाने के बाद ये देखिए, क्योंकि ये T2G है जो है वो कैसी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल ये भी है, और ये जो AG है इसकी भी कौन सी ऑर्बिटल है, डी ही ऑर्बिटल है, क्योंकि डी की इसमें दो ऑर्बिटल और इसमें तीन ऑर्बिटल हैं, क्योंकि दोनों डी के ही ऑर्बिटल हैं, इसलिए यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे जब डी के अंदर ही, क्योंकि डी के अंदर दो लेवल हैं, एक कम एनर्जी लेवल का है एक ज़्यादा एनर्जी लेवल का है, तो यहाँ पे अब जो जब इलेक्ट्रॉन अगर जंप लगाएगा यानी कि किसी एक ही ऑर्बिटल के अंदर, डी ही ऑर्बिटल के अंदर, तो वो फॉरबिडन होगा यानी कि नॉट अलाउड होगा, ठीक ना, तो इसको आपको याद रखना है। और इस तरह के ट्रांजिशन को हम लोग जनरली क्या बोलेंगे, डीडी ट्रांजिशन बोलते हैं, जो डी से ही डी में जंप करे, क्योंकि आप जानते हैं ये जो T2G है ये भी डी की ही ऑर्बिटल है, और ये जो T2G है ये भी डी की ही ऑर्बिटल है, तो डी से डी में ही क्योंकि ये जंप लगा रहा है, तो ऐसे ट्रांजिशन को हम लोग जनरली बोलेंगे डीडी ट्रांजिशन, और ये जो होगा वो फॉरबिडन होगा, नॉट अलाउड होगा, यही लैपोरेटरी ने बताया हुआ। तो चलिए उसको हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ये जो आपका सिलेक्शन रूल होता है लैपोरेटरी सिलेक्शन रूल, ये इसके पहले आपको थोड़ा सा एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, AZ क्वांटम नंबर, आप लोगों ने क्वांटम नंबर पढ़ा होगा, तो क्वांटम नंबर चार टाइप के होते हैं, जिसमें से एक होता है AZ क्वांटम नंबर, तो इसको
अगर आप नहीं जानते हैं थोड़ा सा पहले पढ़ लीजिएगा, वैसे भी हम बता देते हैं इसके बारे में थोड़ा, लेकिन अगर आप लोगों ने अगर नहीं जानते हैं तो इसको थोड़ा सा पहले पढ़ लीजिएगा। चार टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं जिसमें से एक आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्योंकि ये जो लैपोर्टे सिलेक्शन रूल होता है वो इसी पर बेस्ड है, एजीमुथल क्वांटम नंबर पर ही बेस्ड है, ठीक ना। तो दोज ट्रांजिशन विच अलाउड चेंज इन एजीमुथल क्वांटम नंबर, दैट इज जिसको हम लोग एल से डिनोट करेंगे स्मॉल एल से, दैट इज इफ डेल्टा एल डज नॉट इक्वल टू जीरो आर आल लैपोर्टिस ट्रांजिशन, ठीक ना। देखिए अगर यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो लैपोर्टिस सिलेक्शन रूल बोलता है कि इस एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि एल की वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए, अगर ये जीरो आ जाती है तो वो सिलेक्शन रूल के अंदर नहीं आएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि वो नॉट अलाउड होगा, यानी कि फॉरबिडन होगा। और अगर डेल्टा एल इक्वल टू जीरो ना आकर के अगर कोई भी वैल्यू अगर आती है तो उसको माना जाएगा कि नहीं लैपोर्टिस ट्रांजिशन है, यानी कि वो अलाउड ट्रांजिशन होगा, ठीक ना, फॉरबिडन ना होकर के अलाउड ट्रांजिशन होगा। तो ये आपको याद रखना है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू में अगर जीरो आ जाता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है इट मीन्स वो नॉट अलाउड होगा, और अगर जीरो नहीं आती है तो इट मीन्स वो क्या होगा, अलाउड ट्रांजिशन होगा, फॉरबिडन नहीं होगा, ठीक ना। देखिए अब यहाँ पे ये क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, तो आप लोग जानते हैं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है वो एस वाली ऑर्बिटल के लिए जीरो होता है, पी वाली ऑर्बिटल के लिए वन होता है, डी के लिए टू और एफ के लिए थ्री होता है। इसी तरीके से जी एच आई जे के भी आप कर सकते हैं, वो भी फोर फाइव सिक्स ऐसे चलता चला जाएगा। तो एस के लिए जीरो, पी के लिए वन, डी के लिए टू और एफ के लिए थ्री होता है, ठीक ना। ये होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एल की वैल्यू यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है और ये ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक ना। इट मीन्स ट्रांजिशन विच डू नॉट इन्वॉल्व इन एल, दैट इज डेल्टा एल इक्वल टू जीरो आर फॉरवर्डन आर लैपोर्टे फॉरवर्डन, ठीक ना। अगर डेल्टा एल इक्वल टू अगर जीरो आ जाता है तो ऐसा जो ट्रांजिशन होगा वो फॉरवर्डन होगा, यानी कि नॉट अलाउड होगा। दीज फॉरवर्डन ट्रांजिशन आर कॉल्ड लैपोर्टे सिलेक्शन रूल, और ये जो फॉरवर्डन ट्रांजिशन होते हैं इनको ही जनरली बोला जाता है लैपोर्टे सिलेक्शन रूल, यानी कि इसके थ्रू भी हम लोग आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा जो ट्रांजिशन होगा वो उसके लिए जिम्मेदार होगा, ट्रांजिशन के लिए जिम्मेदार होगा कि नहीं होगा, ठीक ना। तो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कैसे, तो ये आपका बेस्ड है एजीमुथल क्वांटम नंबर पे, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर जीरो आती है इट मीन्स वो फॉरबिडन होगा, यानी कि नॉट अलाउड होगा, अगर जीरो नहीं आती है तो इट मीन्स वो अलाउड होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यही आपसे पूछा हुआ था, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम वन डी लेवल, देखिए अभी हमने डी लेवल को आपको अच्छे तरीके से समझाया है, वन डी लेवल टू अनदर डी लेवल, आप देखें वहाँ पे जिसको हम लोग डी डी ट्रांजिशन कहते हैं, देन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट अलाउड। आप देखें वहाँ पे कि हमने बोला है कि जब टी टू जी से ई जी में जब जाता है कोई भी इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पे वो नॉट अलाउड होता है, क्यों, क्योंकि वो डी से ही डी में जाता है। क्यों ऐसा होता है उसको मैं यहाँ पे प्रूव करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे समझिए कि भी देखिए डी ऑर्बिटल यानी कि वही आपकी टी टू जी ऑर्बिटल, और यहाँ पे समझिए ई जी ऑर्बिटल है, ये देखिए एल वन यानी कि पहला आपका एजीमुथल यहाँ पे एनर्जी लेवल, और ये दूसरा एनर्जी लेवल। अब यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एल हमको निकालना है, तो डेल्टा एल हम लोग कैसे निकालेंगे, एल टू माइनस एल वन करके, ठीक ना, एल टू माइनस एल वन करके हम लोग डेल्टा एल निकालेंगे। अब यहाँ पे होगा क्या, आप जानते हैं कि एल टू यानी कि एल टू मीन्स यहाँ पे डी ऑर्बिटल, तो इस डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, टू होती है, डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू टू होती है, तो यहाँ पे टू रख देंगे। और यहाँ पर भी देखिए एल वन में भी यहाँ पे डी ऑर्बिटल है, तो डी ऑर्बिटल के लिए फिर से टू की वैल्यू क्या, सॉरी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी, तो टू माइनस टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। जब यहाँ पे जीरो आ जाएगा तो इट मीन्स ये क्या है, नॉट अलाउड है, ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाए तो कोई भी देखिए अगर ये कहीं रहेगा, जैसे भी डी डी हो, एफ एफ हो, पी पी हो, यस यस हो, कोई भी ऑर्बिटल के लिए अगर ऐसे बोला जाएगा तो नॉट अलाउड रहेगा, क्योंकि ए कहीं में रहेगा तो आप जानते हैं उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे जीरो आ जाएगा, और डेल्टा एल इक्वल टू अगर जीरो आता है तो इट मीन्स वो फॉरवर्डन होगा, नॉट अलाउड होगा, ठीक ना। तो इसलिए डी डी ट्रांजिशन आपको हमेशा याद रखना है कि नॉट अलाउड होता है, यानी कि फॉरबिडन होता है। क्यों ऐसा, क्योंकि इसमें भी इसमें दोनों डी ही ऑर्बिटल होने की वजह से दोनों का जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो सेम होता है, और दोनों का जो डेल्टा एल निकलेगा वो जीरो आ जाता है, टू माइनस टू करके जीरो आ जाता है, जिसकी वजह से नॉट अलाउड हो जाता है। तो मुझे लगता है आपको बहुत बेटर समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो प्लीज़ करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिए। थैंक यू।